हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था जिसमें एक बिंदु आवेश के द्वारा r दूरी पर विद्युत विभव का मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में सीखा था। यदि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर उत्पन्न विभव कैपिटल वी है तो वी का मान 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर होता है। इस फार्मूले की मदद से हम एक विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। पहले हम विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करते। तो स्टूडेंट्स, अक्ष पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए ये चित्र बना हुआ है। इस चित्र में कैपिटल ए कैपिटल बी विद्युत द्विध्रुव है, इसके आवेश हैं प्लस स्मॉल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू। इनके आवेशों के बीच की दूरी अर्थात द्विध्रुव की लंबाई है 2a। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव की अक्ष पर एक बिंदु P है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर द्विध्रुव की अक्ष पर एक बिंदु P लिया गया है, जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा गया है उसका परावैद्युतांक हमने K लिया है। अब हम द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश अर्थात A बिंदु से P बिंदु की दूरी निकालते हैं। यह दूरी R में से यहां तक की दूरी स्मॉल a को माइनस करके R माइनस a प्राप्त होगी, और माइनस क्यू आवेश अर्थात बी बिंदु से पी बिंदु की दूरी आर में ओ से बी तक की दूरी ए को प्लस करके प्राप्त होगी आर प्लस ए। इस फॉर्मूले की मदद से हम पहले प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो इसका मान आएगा V1 = 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर माइनस ए। आवेश प्लस क्यू है, दूरी आर के स्थान पर आर माइनस ए ली है और ये नियतांक दिया है। ये विभव का मान प्लस क्यू आवेश द्वारा पी बिंदु पर विभव के लिए है। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश से पी बिंदु पर विद्युत विभव इसी सूत्र के आधार पर लिखा जा सकता है V2 = 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए। दोनों आवेशों का कुल विभव अर्थात पूरे द्विध्रुव के द्वारा पी बिंदु पर कुल विभव इन दोनों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात P बिंदु पर विभव का मान V का मान V1 + V2 के बराबर होगा। V का मान प्राप्त करने के लिए V1 और V2 के मान रखकर हल करते हैं। तो V का मान हमें प्राप्त होगा 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस A प्लस 1/4πε0 के
माइनस का क्यू अपॉन आर प्लस ए। अब इसे हल करते हैं, क्यू 4πε0 के कॉमन लिया जाता है, वी का मान प्राप्त होगा क्यू अपॉन 4πε0 के ब्रैकेट में 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। अब वी का मान हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4πε0 के ब्रैकेट के अंदर, इसे हल किया जाएगा आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लघुत्तम लेकर के इसको हल करते हैं, वी इक्वल, अगर हम ये देखें स्मॉल ए से स्मॉल ए कट जाएगा, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, ए और ए प्लस होकर के 2a आ जाएगा, q अपॉन 4πε0 के इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम q और 2a का गुणनफल स्मॉल e द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर लिख सकते हैं, e का मान q इंटू 2a होगा, इसलिए v का मान आएगा 1 अपॉन 4πε0 के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यू और 2a का गुणनफल स्मॉल पी के बराबर होता है, इसलिए इसके स्थान पर हमने पी लिया। इस फॉर्मूले में देखते हैं स्मॉल ए ओ से ए तक की दूरी है, आर ओ से पी तक की दूरी है, स्मॉल ए का मान कैपिटल आर के तुलना में बहुत कम होता है, द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम होती है, इसलिए हम ए स्क्वायर की उपेक्षा कर सकते हैं, ए स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, इस फॉर्मूले में से हटा सकते हैं। तो v का मान हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन 4πε0 के p अपॉन r स्क्वायर। यह फार्मूला है विद्युत द्विध्रुव के द्वारा उसकी अक्ष पर विद्युत विभव के लिए। इसके पश्चात हम एक और फार्मूला प्राप्त करते हैं, उसमें द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, हम अब चर्चा करते हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के बारे में। इस चित्र में कैपिटल ए और कैपिटल बी एक विद्युत द्विध्रुव है, आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं, आवेशों के बीच की दूरी 2a है, ओ द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, ये वाली रेखा अक्ष की सम द्विभाजक रेखा है, इस पर एक बिंदु P है, इस बिंदु की स्थिति को निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। इस बिंदु की O बिंदु से दूरी मान लीजिए स्मॉल r है, तो फिर A बिंदु से P बिंदु की दूरी हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण AP का मान निकालना है, लंब r है, आधा 2a का आधा स्मॉल a है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इस दूरी को अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरीके से
माइनस क्यू आवेश है दूरी भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। हम देखते हैं जितनी दूरी इस आवेश से पी बिंदु की है उतनी ही दूरी इस आवेश से पी बिंदु की है। अब हम बिंदु आवेश द्वारा पी बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1/4πε0Q/r। यह बिंदु आवेश द्वारा विद्युत विभव का फार्मूला है। इस फार्मूले के आधार पर हम प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु पर विभव का मान लिखते हैं V1=1/4πε0Q/√R² + A²। इसी तरीके से इस माइनस क्यू आवेश से पी बिंदु पर विभव लिखते हैं V2=1/4πε0Q/√R² + A² इन दोनों आवेशों के द्वारा पी बिंदु पर कुल विभव दोनों को प्लस करके दिया जा सकता है। ये दोनों मान समान हैं, एक मान धनात्मक है एक मान ऋणात्मक है, दोनों एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे और विभव का मान निरस्त होने के बाद शून्य प्राप्त होगा। यहाँ अपन मान रख के देख लेते हैं पहले V1 का मान रखा और इसके पश्चात V2 का मान रखा −Q/√R² + A² एक मान धनात्मक है एक मान ऋणात्मक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, V का मान शून्य प्राप्त होगा। तो द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में कोई भी बिंदु कहीं पर भी हो कितनी भी दूरी पर हो विभव का मान शून्य प्राप्त होता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने दो फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विभव और द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विभव। आप इनका अध्ययन कीजिए, इनको पढ़िए, इनमें कोई समस्या है तो समस्या के बारे में आप पूछिए। आगे के टॉपिक में हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी विद्युत धारिता के बारे में चर्चा करेंगे। अगले टॉपिक में अगली वीडियो आने तक हम इंतजार करें क्या वीडियो आ रही है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।